इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि ईडी के बयान को विरोधाभासी बताते हुए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को जमानत दी है, आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत की खबर। मनीष सिसोदिया पिछले 17 महीने से जेल की सलाखों के पीछे बंद थे। 17 महीने में लगातार की याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी। दिल्ली हाई कोर्ट और राउ एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद याचिका लगाई जाती है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था और आज यह फैसला सुनाया गया है कि मनीष सिसोदिया शराब नीति घोटाला मामले में जमानत उनको दी गई है। तो बड़ी खबर, बड़ी राहत इस वक्त, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शराब नीति घोटाला मामले में जमानत मिली है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल अभी जेल में बंद हैं, हालांकि ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल चुकी है, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। शराब नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया की जमानत का ऐलान कर दिया गया है। 100 करोड़ रुपए के आरोप लगे थे अवैध लेन देन के। उस वक्त मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता, दिल्ली के आबकारी मंत्री थे और ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था, लेकिन लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब मनीष सिसोदिया को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से स्वास्थ्य कारणों के चलते, पारिवारिक कारणों के चलते बार बार उनके द्वारा याचिकाएं लगाई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब अपने बयान पर यहां पर कहीं ना कहीं गौर फरमाई है और कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल के भी रास्ते यहां से खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही।